मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक जनरल पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा शॉक, या आप इसमें से एक जो टॉप उसका जो पार्ट है वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि शॉक क्या है, शॉक के टाइप क्या होते हैं, और जो उसका पहला टाइप है हाइपोवोलेमिक शॉक उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि एक जनरल पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शॉक क्या है। शॉक के बारे में आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा जनरली कि किसी पर्सन को जी शॉक आ गया है किसी वजह से, ये आपने बहुत ही जनरली सुना होगा। तो शॉक क्या होता है? तो शॉक जो है, शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम बाय एक्यूट रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। यानी कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, सिंड्रोम है। इसके वजह से क्या हो सकता है, शॉक के वजह से किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, लाइफ भी उसकी जा सकती है। तो क्या है ये, शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम बाय एक्यूट रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, जो कि किस वजह से होता है, वॉल्यूम जो कि ब्लड वॉल्यूम है हमारी, उसका अगर अचानक से क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए या कमी हो जाए, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें अगर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो परफ्यूज़न है, अगर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, नॉर्मल से क्या हो जाए, कम हो जाए, वो भी अचानक से, एक्यूट से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉक। तो फिर से मैं बता दूं आपको, शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन बाय एक्यूट रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के कम होने की वजह से क्या होता है, सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें सेल को ऑक्सीजन किस वजह से मिलता है, किसी भी सेल को वो मिलता है हमारे ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड का जो रिक्वायरमेंट जितनी है वो पूरी ना हो, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग के लिए जो सेल्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन प्रॉपर क्या होगा, जो हमारे सेल हैं उसके पास क्या होगा, प्रॉपर O2 नहीं पहुंचेगा। तो जब O2 नहीं पहुंचेगा प्रॉपर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल क्या होगा, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आएंगे, जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। और अगर यही कंडीशन बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाए, ज़्यादा टाइम तक क्या रह जाए, यही कंडीशन रह जाए, किसकी, ऑक्सीजन की कमी की, हाइपोक्सिया की, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं हाइपोवोलेमिया की, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, डिसफंक्शनिंग होगी, फिर सेल की डेथ भी हो सकती है। और जब सेल की डेथ होगी तो हमारे टिश्यू की भी डेथ होगी, और टिश्यू की डेथ होगी तो क्या होगा, हमारा ऑर्गन भी फेल हो सकता है। ऑर्गन फेल होने से क्या हो सकता है, पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर पर जा सकता है, उसका किडनी भी फेल हो सकता है, उसका हार्ट भी फेल हो सकता है, उसका लीवर फेल हो सकता है, उसका ब्रेन भी अपना फंक्शन काम को करना बंद कर सकता है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट क्या होता है, जा सकता है, उसके वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये था हमारा शॉक, के शॉक क्या है जनरली, इसकी जो क्या डेफिनेशन है ये हमने समझा। और अब जानते हैं शॉक के क्या क्या टाइप होते हैं। तो शॉक हमारा जनरली हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक है, और न्यूरोजेनिक शॉक है। तो इन्हीं सभी कंडीशन में क्या होगा, हमारा किसी ना किसी वजह से क्या होगा, हमारे जो होगा रिडक्शन होगा किसका, सर्कुलेटरी वॉल्यूम का, यानी कि ब्लड का या प्लाज्मा का या रेड ब्लड सेल्स का क्या होगा, अचानक से रिडक्शन होगा इन किसी भी कंडीशन की वजह से। तो ये 5 टाइप के मैंने आपको बताए, ये होते हैं हमारे शॉक के टाइप हैं, ठीक है। अब इसमें से जो फर्स्ट टाइप है हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है। तो मैंने बताया कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम अगर हमारी कम हो जाए तो क्या होता है, फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम, जो भी परफ्यूजन है वो कम होगा, और सेल की डेथ हो सकती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का हमारा मतलब यह है कि हाइपोवोलेमिक मतलब अगर वॉल्यूम क्या हो जाए बॉडी के अंदर, अचानक से कम हो जाए, किसी भी वजह से वॉल्यूम क्या हो सकती है बॉडी के अंदर कम हो सकती है, ट्रामा की कंडीशन में अचानक से क्या हो सकता है, हमारी वॉल्यूम कम हो सकती है। तो इसके रीज़न क्या है, एक्यूट हैमरेज। अगर आपका किसी भी कोई भी पर्सन है, अगर वो किस उसका एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ उसका, और कहीं पे कट लगा, बहुत ज़्यादा डीप कट लगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट शॉक में जाएगा, उसके बाद पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, अगर उससे वॉल्यूम क्या है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया गया उसी टाइमिंग पे, उसी टाइम बाद, तो पेशेंट शॉक में जाकर डेथ कर सकता है। तो एक्यूट हैमरेज हाइपोवोलेमिक शॉक का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है वॉमिटिंग की वजह से, या फिर डायरिया की वजह, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, तो उसके अंदर का जो फूड है, जो लिक्विड है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब बाहर आ जाएंगे, उसके वजह से क्या होगा, हमारी ब्लड वॉल्यूम पे उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके वजह से हाइपोवोलेमिया होगा, उसके वजह से हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन की वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो भी टिश्यू है वो नहीं पहुंच पाएगा, और सेल की डेथ हो सकती है,
पेशेंट शॉक में चला जा सकता है। फिर हमारा बर्न्स की कंडीशन, अगर कोई पेशेंट जल गया है तो जलने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा अंदर का वाटर है वो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेनली जो 90% ब्लड में वाटर की तो होता है, तो जलने की कंडीशन क्या होगा, वाटर की एकदम से एक्सेसिव क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को, तो उसके वजह से फिर वॉल्यूम कम होगी, फिर पेशेंट शॉक में जा सकता है। फिर है एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक। हम जानते हैं कि डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक क्या होता है, हम बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करती है और यूरिन को बाहर निकालती है। ये डायूरेटिक मेडिसिंस का काम होता है। ज़्यादातर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं, या किडनी के पेशेंट, जो भी सीकेडी के पेशेंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है सीकेडी में, तो इस वजह से डायूरेटिक देते हैं। और हाइपरटेंशन में भी हम डायूरेटिक का यूज़ करते हैं ताकि वॉल्यूम कम हो और हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाए। लेकिन क्या हो, अगर कोई पेशेंट क्या हो, एक्सेसिव डायूरेटिक का यूज़ कर ले, बहुत ज़्यादा डायूरेटिक अगर वो खा जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा, तो यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर से भी क्या होगा, वॉल्यूम जो वाटर है वो ज़्यादा निकल जाएगा, उसके वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है। फिर है हमारा इंटरनल ब्लीडिंग। आपको चोट लगी कहीं पर भी, कट लगा चलो वो तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, लेकिन अगर चोट लगी और इंटरनली आपको ब्लीड करने लगा, तो उसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी क्या होगा, आपको हाइपोवोलीमिया होगा, उसमें आपको पता नहीं लगेगा। जनरली अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो आप पेशेंट को दिख जाता, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग में डायग्नोस करना भी प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादातर पेशेंट इसमें डेथ कर जाते हैं, किसमें, इंटरनल ब्लीडिंग में। तो ये थे हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक और उसके क्या क्या थे रीज़न। अब हम जानते हैं कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि कैसे वॉल्यूम कम होती है और उसके बाद कैसे सेल की डेथ हो जाती है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आएगी, किस वजह से हाइपोवोलेमिक कंडीशन किस वजह से आएगी, हेमरेज या जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई, इन कंडीशन की वजह से। तो जैसे ही हाइपोवोलेमिया होगा, सेल में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया यानी मैंने आपको बताया, हाइपोक्सिया यानी कि O2 अगर की रिक्वायरमेंट अगर जितनी है उतना O2 अगर प्रॉपर ना मिल पाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे हाइपोक्सिया। तो सेल में हाइपोक्सिया होगा, और जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन सेल कैसे करती है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन से क्या करती है वो, फिर ऑक्सीजन मिलने से फिर क्या करती है, ATP का फॉर्मेशन करती है। तो एनर्जी डिफेक्ट करेगी, उसमें एनर्जी का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो एनर्जी की कमी होने की वजह से क्या होगा, हमारा एनर्जी की कमी की वजह से, देखिए हमारे जो सेल्स होती है, जो हमारी सेल है उसमें 2 टाइप से रिस्पायरेशन होता है, एक तो एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है। एरोबिक में तो O2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारा रिस्पायरेशन होता है सेल्स के अंदर, जो भी ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 टाइप से होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है इमरजेंसी कंडीशन में एनएरोबिक होता है। अगर लेकिन जिसमें जो जब एरोबिक होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है हमारा CO2, और एनएरोबिक में हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसमें और O2 नहीं होगा, तो सेल क्या करेगी, एरोबिक में तो चलेगी, जितना ऑक्सीजन मिल रहा है ठीक है, तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी चली जाती है, हमारी सेल्स क्या होगी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जाएगी, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन करके क्या करेगी, हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगेगी। तो फिर क्या होगा, उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा। तो जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो फिर क्या होगा, बॉडी का pH कम हो जाएगा। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, जैसा अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो कुछ टाइम तक तो हम रनिंग करते रहते हैं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती, फिर जब हम रनिंग करते रहते हैं बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाने के लिए बढ़ती रहती है, O2 की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, टैकीकार्डिया होता है। लेकिन जब हम भागते रहते हैं और O2 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही जितनी O2 चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो सेल क्या होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी चली जाती है। तो दोनों ही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, एरोबिक और एनारोबिक। तो उस कंडीशन में फिर लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर पेन होता है। जब आप बहुत देर तक भागते हैं तो आपको पेन क्यों होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है, हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और उसके साथ हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ब्लड का जो pH है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनरली 7.4 हमारा pH होता है
ब्लड एल्कली होता है हमारा जनरली, ठीक है। तो जब पीएच का पीएच फॉल होगा, हमारा पीएच डाउन जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आएगी, यानी कि हमारा ब्लड एसिड की ओर उसका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा उसका डिसफंक्शन होगा और फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, सेल डिसफंक्शन करेगी, उसके वजह से सेल की मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी हमारी डिसफंक्शन करेगी और सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप आपको पता है सोडियम और पोटेशियम का हमारा सेल के अंदर जो भी उसका कंसंट्रेशन उसको बैलेंस बना के रखती है, तो उसके वजह से ये हमारा पंप फेल होगा, सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगी, उसके वजह से क्या होगा सेल के अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं हमारे, हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो क्या होंगे तो लाइसोसोम होंगे, फिर वो क्या करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करने लगेंगे, क्या करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करने लगेंगे, उसके वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या होते हैं हमारे अपने ही सेल्स को क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लास में के जो लाइसोजाइम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सेल्स को ही, जो कि एक प्रकार से सुसाइडल बैग भी उसे बोलते हैं, जो कि अपनी सेल्स को ही क्या कर सकता है डैमेज कर सकता है। तो जो इंट्रासेलुलर क्या है हमारे लाइसोजाइम है वो एंजाइम रिलीज करते हैं, उसके वजह से फिर ये सेल डैमेज होती है, फिर टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ये डैमेज सेल्स हैं इसके पार्ट्स हैं इसमें चले जाएंगे, उसके वजह से फिर क्या होगा हमारा जो कैपिलरी है और इंडोथेलियल है वो क्या होंगे उसको डैमेज करने लगेंगे, जो इंडोथेलियम इंडोथेलियल सेल्स होती हैं हमारी कैपिलरीज के अंदर ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो डैमेज होंगे, फिर क्या होगा हमारा डिस्ट्रक्शन होगा उसका भी, वो भी डिसफंक्शन में जाएंगे और सेल की भी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होती है इसके पैथोफिजियोलॉजी के हाइपोवोलेमिया में से फिर सेल डेथ और हमारा डिसफंक्शन जो होता है हमारा कैपिलरीज का वो किस प्रकार से होता है, तो ये हमने इसको जाना। अब क्या है मेजर क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, जैसे किसी को शौक आया हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो मेजर क्लिनिकल फीचर है इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा बॉडी क्या करेगी ब्लड को सेल तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी टैकीकार्डिया, हार्ट रेट को बढ़ाएगी ताकि जल्दी जल्दी वो पंप कर सके और जल्दी से जल्दी क्या हो सेल के पास हमारे ब्लड पहुंचे और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो बॉडी कुछ टाइम के लिए कंपलसेटरी मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देती है, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करती है, जो भी वाइटल्स हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, तो हार्ट रेट हमारी क्योंकि इंक्रीज हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है तो आर्टरी पे जो पड़ने वाला प्रेशर है हमारी ब्लड की वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा लो यूरिन आउटपुट, फिर क्या होगा जैसे ही हमारा हाइपोवोलेमिया होगी तो सिक्रीशन होगा एडीएच का, एडीएच का हमारा सिक्रीशन होगा एंटी डायुरेटिक हार्मोन का, जो कि क्या करेगी यूरिन के फॉर्मेशन बंद करेगी और वाटर को क्या करेगी सक करना शुरू कर देगी, ताकि उसके वजह से हमारा वॉल्यूम बढ़ सके, ठीक है। हाइपोवोलेमिया की यूरिन जो होगा हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया की कंडीशन आएगी और मेंटल अल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेट, पेशेंट को क्या होगा कन्फ्यूजन आएगा, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी, पेशेंट कन्फ्यूजन महसूस कर सकता है, तो ये इसके सिम्टम आते हैं जनरली। अब हाइपोवोलेमिया को हमने किस किन टाइपों में डिवाइड किया, पहला है हमारा अगर वॉल्यूम जो है ब्लड जो है हमारा वो 1000 ml या उससे कम, क्या हो वॉल्यूम कम हो जाए 1000 ml किसी भी वजह से, 1000 ml या उससे कम हो जाए तो उसका बोलते हैं हम कंपनसेटेड, ये कंपनसेटेड इस टाइम पे क्या होता है कि अगर इतना वॉल्यूम हमारी बॉडी में कम हुआ है तो बॉडी उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करके बैलेंस कर लेती है, अगर 1000 ml 1 liter के बीच में ही अगर लॉस हुआ है फ्लूइड का तो उसको बैलेंस करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, आर्टरी हमारी डायलेट हो जाती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, उसको बैलेंस करने की क्या करती है वो कोशिश करती है कुछ टाइम के लिए, ये भी फिर कुछ टाइम ही तक चलता है मैकेनिज्म, उसके बाद क्या हो जाता है बंद हो जाता है। इसलिए आप जैसे ब्लड डोनेट कराते हैं आप देखते होंगे ब्लड डोनेट कराने के बाद क्या होता है आपको तुरंत ही क्या देते हैं वो जूस या कुछ भी चीज़ पीने के लिए देते हैं ताकि वॉल्यूम को हम मेंटेन कर सकें, लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता है पहले से वॉल्यूम कम है वो ब्लड देने के बाद उनको चक्कर आने लगते हैं कन्फ्यूजन सा होने लगता है, ये भी कंडीशन उसमें आती है, इसलिए पहले ब्लड हमारा HB वगैरह चेक किया जाता है हमारा डोनेट करने से पहले। फिर है हमारा 1000 से 1500 ml, तो अगर 1000 से 1500 ml हमारा फ्लूड लॉस हुआ है ब्लड लॉस हुआ है तो उसको माइल्ड हमारा शॉक में जाएगा, माइल्ड कंडीशन है। अगर 2 liter तक है 15 से तो ये हमारा मॉडरेट है, और अगर 2 liter से ज़्यादा हमारा लॉस हो गया तो ये सीवियर कंडीशन है, अगर इससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है
हाइपोवोलीमिया की वजह से हमारा क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, और ये सारा मैकेनिज्म जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई है उससे सेल डेथ होगी, फिर हमारा टिश्यू डैमेज होगा, ऑर्गन फेलियर, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हमने शॉक को जाना आज कि शॉक क्या है और शॉक के जो टाइप्स हैं उसमें से जो पहला टाइप है हाइपोवोलेमिक शॉक उसके वो आज हमने बहुत अच्छे से जाना, और इसके बाद हम जो उसके जो भी बचे हुए टाइप्स हैं उसको आगे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, अगर पेशेंट को शॉक का आपके पास आता है आपको कैसे उसको मैनेज करना है इमरजेंसी में, उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके साथ में जो भी फ्रेंड्स हो मेडिकल से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।